नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज डाइजेशन विच इज ऑन पेज नंबर 105। सिंपल अगर हम डाइजेशन को देखें तो व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन। डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ अ फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉल पीसेस। ठीक है, तो डाइजेशन जो भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं उनको स्मॉल पीसेस में जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमिनेटेड फ्रॉम अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पीसेस और वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, सो डाइजेशन किस तरह होती है हमारे पास। डाइजेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे पास ब्रेक डाउन करते हैं फूड पार्टिकल्स की। और एंजाइम्स के साथ हमारे पास एक और चीज़ होती है डैट वर्क वेरी एक्टिवली, डैट इज़ डिफरेंट जूसेस। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, डाइजेस्टिव डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो डाइजेशन में हमारे पास क्या होंगे, डाइजेस्टिव जूसेज होंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूसेज इज आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन। ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट डाइजेस्टिव पार्ट में एक्सक्रीट आउट होते हैं। सो लेट स्टार्ट। ओनली अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड कैन बी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड पास्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ च्यूइंग फूड स्टिल कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीसेस विच कैन नॉट बी डिसॉल्व। दीज मस्ट बी ब्रोकन डाउन और डाइजेस्टेड इनटू स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। अब वो क्या कहते हैं कि हमारे पास जो भी फूड हम इनटेक करते हैं वो डायरेक्टली कहाँ जी अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में और ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, लेकिन च्यूइंग के बाद भी हमारे पास कुछ फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो रिमेन हमारे पास डिसॉल्व नहीं होते और हमारे लार्ज पीसेस में रह जाते हैं, तो उनकी डाइजेशन करने के लिए हमारे पास फर्दर जो है उनका डाइजेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, तो उनकी फर्दर डाइजेशन होती है। हाँ, वो डाइजेशन कैसे होती है। डाइजेशन टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ अ केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक है, डाइजेशन कहाँ पर होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। ठीक है, और कौन हेल्प करता है डाइजेशन में, दीज आर कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक है, डाइजेशन टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इज़ ब्रॉट बाय द एक्शन ऑफ अ केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स। अंडरलाइन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आल्सो, द एंजाइम कंसर्न विद द डाइजेशन आर कॉन्टेन इन द डाइजेस्टिव जूसेज विच आर मिक्सड विद द फूड एट वेरियस पॉइंट अलॉन्ग द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंजाइम जो है वो किसके साथ वर्क करते हैं, एक तो वो क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं फूड पार्टिकल्स की, सेकेंडली ये कंसर्न होते हैं विद द डाइजेस्टिव जूसेज। डाइजेस्टिव जूसेज क्या होते हैं, जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, फॉर सपोज स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब वो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस, ठीक है, दैट आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस। दे आर आल्सो कंसर्न विद एंजाइम्स एंड हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, सो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ। हमें पता है कि हम खाना इनटेक कहाँ से करते हैं, माउथ से करते हैं। फ्रॉम माउथ टू वर्ड एसोफेगस दिस लॉन्ग ट्यूब इज अ एलिमेंट्री कैनाल एंड इसको हम गलट भी कहते हैं। ठीक है, माउथ की बात क्या आती है, इज अ लॉन्ग ट्यूब जिस कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। फूड जो है वो माउथ के जरिए जाता है टू वर्ड एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल टू वर्ड द स्टमक, स्टमक टू वर्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैन टू वर्ड द लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन टू वर्ड द आउटसाइड द बॉडी, जो हमें नहीं चाहिए होता फूड। ठीक है, सो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल दैट रन्स फ्रॉम माउथ टू द एनस प्लस अ फ्यू अदर ऑर्गन्स सच एज द लीवर, पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूस अ स्टोर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही होगी, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री केनाल। ठीक है, जो हमारे पास माउथ के साथ कनेक्ट हुई होती है टूवर्ड द स्टमक तक और टूवर्ड द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव पार्ट्स। ठीक है, अदर डाइजेस्टिव पार्ट्स आर द स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज एनस। ठीक है, सो माउथ एलिमेंट्री केनाल, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस, सो दीज आर द डिफरेंट डाइजेस्टिव पार्ट्स दैट हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, डिड यू नो द एलिमेंट्री केनाल इज अबाउट 10 meters लॉन्ग एंड फूड टेक्स अबाउट 24 hours टू पास फ्रॉम वन एंड टू द अदर। ये एलिमेंट्री केनाल जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, 10 meters लॉन्ग होती है
यहाँ पे तो मैं स्ट्रेट नज़र आ रही है और बीच में मैं बाकी नज़र नहीं आ रही। हाउ इट इज़ 10 मीटर लॉन्ग? इट इज़ इन अ कन्वोलेटेड फॉर्म और इट इज़ इन अ फोल्डिंग फॉर्म, ठीक है, जो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही डायरेक्टली, लेकिन इट इज़ अ 10 मीटर लॉन्ग और ये हमारे पास क्या होती है 24 आवर्स जो ओपन होती है कि फूड को इनटेक करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह पास करने में क्या करती है, फूड को हेल्प आउट करती है, ठीक है।